हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे रहेंगे। बाकी मैं शिव आप लोगों का स्वागत करें दोस्तों मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल नागपुरी लाइफस्टाइल लवर में। तो हाँ दोस्तों, आप लोग का बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसे तो दोस्तों ये चैनल ओनली फॉर हम लोग का नागपुरी क्रिएटर लोग के लिए है, नागपुरी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जैसे की सिंगर हो गया, हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, उन लोग का दोस्तों हम लोग लाइफस्टाइल इस चैनल में देखते हैं, उनका इंटरव्यू देखते हैं। सेम दोस्तों, आज आप लोग को नागपुर इंडस्ट्री में काम करने वाले एक बहुत ही बड़ा हीरो का बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तो के चाहे रे दिल इस एल्बम वीडियो में जो नेगेटिव रोल यानी कि साइको रोल निभाए थे, जिनका नाम है दोस्तों आशीष तिगा। यस दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़े सुपरस्टार आशीष तिगा का बारे में जानने वाले हैं। आशीष तिगा का दोस्तों पहले से लेकर के अभी तक का सफर जानेंगे, वो कैसे नागपुरी इंडस्ट्री में आया, कैसे वो इतने अच्छा दोस्तों कामयाबी को हासिल किया, उनका फैमिली में कौन कौन है और वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो इन सभी चीजों का बारे में दोस्तों आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आशीष तिगा जी का लाइफस्टाइल। आशीष तिगा का जन्म झारखंड रांची के बिलंगी माकमांडो में हुआ। उनका फैमिली में दोस्तों उसका मम्मी पापा और दो भाई है। आशीष तिगा का पढ़ाई एक से लेकर के प्लस टू तक दोस्तों संजोंग स्कूल में हुआ और दोस्तों उसका कॉलेज जो है वो मरवाड़ी कॉलेज में हुआ जो रांची में पढ़ता है। बचपन से ही दोस्तों वो हिंदी मूवी सब और सीरियल सब देखा करता था। उनको देखने के बाद में दोस्तों उसका मन में एक ड्रीम बन गया था कि हमको भी एक दिन एक्टर बनना है और एक्टिंग का दुनिया में जाने के लिए दोस्तों डांस भी आना चाहिए, जिसका वजह से दोस्तों आशीष तिगा ने डांस भी सीखा। सीखने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था वैसे वैसे उसको पता चल रहा था कि बॉलीवुड में या सीरियल में घुसने के लिए काफी समय लगेगा और उसके लिए काफी ज्यादा उसको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय में दोस्तों वो ये भी देख रहा था कि अपना खुद का जो लैंग्वेज है उसमें भी बहुत सारा वीडियो सब आ रहा है। नागपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए दोस्तों उसका पास में काफी ज्यादा हुनर था, जैसे कि डांस हो गया, एक्टिंग हो गया और उसका जो गुड लुकिंग है दोस्तों वो काफी ज्यादा मोहित करता है, जिसका वजह से उसको आसानी से दोस्तों काम मिलना स्टार्ट हो गया। आशीष तिगा का सबसे पहला एल्बम वीडियो आता है दोस्तों 2019 में, जिसका नाम है दोस्तों रब मानीला। रब मानेला इस एल्बम वीडियो में दोस्तों हम लोग को बहुत ही अच्छा डांस देखने के लिए मिला था, बहुत अच्छा स्टोरी देखने के लिए मिला था और दोस्तों एक्शन यानी कि फाइट भी देखने के लिए मिला था। तो ये से दोस्तों हम लोग को नागपुरी इंडस्ट्री में काफी कम बनता था वीडियो सब, और जब दोस्तों ये वीडियो रिलीज हुआ उस समय में दोस्तों आशीष तिगा को काफी ज्यादा लोग सब पसंद किए, क्योंकि आशीष तिगा था दोस्तों जो स्टोरी को हम लोग का नागपुरी इंडस्ट्री में लेकर के आया। उससे पहले दोस्तों लोग सब खाली डांस करते थे, पर दोस्तों डांस देख देख के नागपुर इंडस्ट्री वाला लोग बोर हो चुके थे, उन लोग को कुछ नया चाहिए था और उसी समय में दोस्तों आशीष तिगा एंट्री करता है नागपुर इंडस्ट्री में और वो कुछ अलग करने के लिए कोशिश करता है, यानी कि दोस्तों अपना एक्टिंग को दिखाने के लिए वो स्टोरी में काम करने के लिए कोशिश करता है और पहला एल्बम वीडियो दोस्तों उसका सुपरहिट हो जाता है। इस एल्बम वीडियो का सक्सेस के बाद में दोस्तों काफी सारे लोग का नजर में आ चुके थे आशीष तिगा, क्योंकि उसका काम करने का तरीका, उसका डांस, उसका एक्टिंग और दोस्तों उसका जो स्टोरी लाइन जो होता था वो काफी ज्यादा मोहित करता था। आशीष तिगा बहुत सारे एल्बम वीडियो में दोस्तों काम तो किया, पर उसको असली पहचान जो था वो मिला दोस्तों तो के चाहे रे दिल। यस दोस्तों, तो के चाहे रे दिल इस एल्बम वीडियो में लीड रोल में दोस्तों विवेक नायक थे, बट आशीष तिगा का नेगेटिव रोल लोग सबको इतना अच्छा लगा दोस्तों, एक साइको का रोल उसको दिया गया था और साइको का रोल में दोस्तों काफी ज्यादा वो अच्छा लग रहा था और इतना बेहतर तरीका से दोस्तों एक्टिंग किया था कि उसको देखने के बाद में दोस्तों पूरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइप से उसमें स्टोरी है, एक्टिंग किया गया है और दोस्तों काफी बढ़िया तरीका से दोस्तों उसको बनाया भी गया है। इस एल्बम वीडियो सुपरहिट होने के बाद में दोस्तों बच्चे बच्चे लोग उसको पहचानने लगे, ऐसे कोई भी नहीं होगा जो आशीष तिगा को नहीं जानता होगा, क्योंकि वो एक अलग ही पहचान बना लिया। आशीष तिगा का बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो अभी तक वो 19 से 20 एल्बम वीडियो में काम किया है और जितने भी एल्बम वीडियो दोस्तों हम लोग देखे हैं वो काम किया है वो बहुत ही अलग है और सभी एल्बम वीडियो में दोस्तों अलग ही स्टोरी रहता है, अलग वो किरदार को निभाता है और साथ ही साथ में दोस्तों काफी ज्यादा हिट भी होता है। बेपनाह इस एल्बम वीडियो में भी दोस्तों इतना अच्छा वो एक्टिंग किया है कि उसको दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। आशीष तिगा आने के बाद में दोस्तों बहुत सारा एल्बम वीडियो में हम लोग को स्टोरी देखने के लिए मिला, बहुत सारे जगह में दोस्तों एक्शन देखने के लिए मिला और बहुत अच्छा वो एक्टिंग भी करके दिखाया, जिसका वजह से दोस्तों हम लोग का नागपुरी इंडस्ट्री और थोड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। तो ये रहा दोस्तों उसका जर्नी, बट आशीष तिगा बताते हैं कि उसका और भी बहुत सारा हॉबी है,
जिसमें से है दोस्तों बुक पढ़ना, और साथ ही साथ में दोस्तों उसको जिम करना काफी ज्यादा पसंद है, और ट्रैवलिंग करना। जब भी दोस्तों उसको समय मिलता है वो अलग अलग जगह पर विजिट करता है, ट्रैवलिंग करता है। आशीष तिगा को दोस्तों आप लोग अभी तक 19 से 20 एल्बम वीडियो में देखे होंगे, पर आप लोग को बता दें दोस्तों आशीष तिगा बहुत सारा एड में भी काम किया है, जैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट का जो एड होता है उस सब में दोस्तों वो काम भी करता है। तो हमको दोस्तों जितना उसका बारे में पता था उतना चीज आप लोग को बताया, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में। अगर हमसे आप लोग कुछ बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है, वहां पर जाकर के आप लोग मैसेज कर सकते हो, नहीं तो फिर कुछ दिन आप लोग इंतजार करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।